दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है स्टडी पॉइंट एनआरजी में। आज अपन चर्चा करेंगे रीट के जो आज लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया उसमें कुछ संशोधन हुआ, तो क्या क्या संशोधन हुआ, कौन कौन इसमें अवेलेबल है, तो इसमें मिनिमम पासिंग मार्क क्या रहेगा, 2017 का मिनिमम पासिंग मार्क क्या था, 2021 में क्या रहेगा, बीएड वाले अपेयरिंग वाले बैठ सकते हैं या नहीं, पीएसटी वाले जो लेवल फर्स्ट में बैठेंगे या लेवल टू में बैठेंगे, लेवल फर्स्ट में मौका मिला या नहीं मिला, तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आपको लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो आपको 2021 में मिनिमम पासिंग मार्क किस किस कैटेगरी की, कितने मिनिमम पासिंग मार्क जरूरी है, तो आप वो देखें। तो जनरल के लिए 2021 में नॉन टीएसपी, जो नॉन टीएसपी में आते हैं उनको 60%, और जो टीएसपी में आते हैं उनके लिए भी 60%। इसके बाद देखते हैं एसटी, एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो नॉन टीएसपी है उनको 55%, और जो टीएसपी उनको 36%। इसके बाद देखते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए जो पासिंग मार्क है मिनिमम न्यूनतम पासिंग मार्क तो 55 लाने हैं। इसके बाद देखते हैं जो समस्त श्रेणी की जो विधवा है और जो प्रत्यक्ता महिला या भूतपूर्व सैनिक जो है इनके लिए 50%, ठीक है। अगला देखते हैं जो दिव्यांग है यानी विकलांग है, विकलांग श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 40%, जो सहरिया जाति के व्यक्ति हैं उनके लिए 36%। तो ये है मिनिमम पासिंग मार्क जो आपको एग्जाम में जरूरी है लाना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि रीट जो 2021 है लेवल टू, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना दिना 11-13 नवंबर को 2019 द्वारा किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित ग्रेजुएशन स्नातक, ये कम से कम 50% आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद जो बीएड वाले वो अपेयरिंग में या बीएड कंप्लीट हो वो शामिल हो सकते हैं, या तो 50% हो या 50% से अधिक, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये रेट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रीट 2017 में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थी को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अंकों में 5% की छूट थी। 2017 में इन अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट थी। 2021 में अब क्या है, 2021 में पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को ही निर्धारित, को भी अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में 5% की छूट दी गई, ठीक। और इसके साथ ये खबर है कि वाणिज्य के जिसे विषय के अभ्यर्थियों को अब तक रीट से वंचित, रीट में जो वाणिज्य सब्जेक्ट था वो रीट में शामिल नहीं थे, अब क्या किया जिसे संशोधित कर, अब संशोधन ये हुआ कि इसमें रीट विषय जो है सामाजिक अध्ययन लेवल टू में शामिल किया गया है, तो वाणिज्य सब्जेक्ट वाले और सामाजिक अध्ययन वाले भी लेवल टू में शामिल हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अध्यापक भर्ती लेवल टू में रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया, जो पहले अनुपात 70-30 था अब वो अनुपात 90-10 हो गया, ठीक है। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है कि पहले अनुपात क्या था, 70:30, अब वर्तमान में अंकों का भारत जो है 90:10 हो गया, ठीक है। जो पाठ्यक्रम में क्या संशोधन रहा, जो पाठ्यक्रम में पूर्व रीट परीक्षा में 2011 में बने पाठ्यक्रम में से रीट का आयोजन किया जा रहा है था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है, हमें वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटीसी की गाइडलाइन के आधार पर करवाए गए, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को
पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। तो अब जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट जो पाठ्यक्रम है तो वो इस एग्जाम में जिसमें शामिल कर दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, कला संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक जो राजस्थान के हैं वो इस एग्जाम में शामिल कर लिए गए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनको लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया कि जो डीएलडी या पीएलडी जो बीएसडीसी के छात्र हैं उनको केवल एक ही ऑप्शन होता है कि वो लेवल फर्स्ट में शामिल हो, क्योंकि वो लेवल सेकंड में शामिल नहीं हो सकते। जबकि जो बीएड वाले छात्र हैं वो लेवल टू और सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आदि कई विकल्प मौजूद होते हैं। इस कारण से बीएड योग्यधारियों को लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं किया गया, समझे। तो एक बार देखो कि जो बीएड के छात्र हैं उनको लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं किया गया, और जो बीएसटी के हैं उनको लेवल फर्स्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बीएड के छात्र हैं उनको लेवल सेकंड में शामिल किया गया, और लेवल फर्स्ट में भी हो सकता है इसमें कुछ, लेकिन देखें तो कोविड-19 के महामारी के विषम परिस्थिति में 2021 की सम्मिलित रीट की एग्जाम की किसी प्रकार का शुल्क वृद्धि नहीं किया गया। तो जो कोविड-19 के महामारी के कारण इस विषम परिस्थिति को देखते हुए जो शुल्क 2017 में था वही शुल्क 2021 में, इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड जो केवल एक परीक्षा दे सकता है उनके लिए ₹550 है, और जो प्रथम स्तर वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड है ना, तो दोनों परीक्षाओं के लिए ₹750 होंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि रीट 2021 के प्रस्तावित कार्यक्रम निम्न अनुसार है। अब इम्पोर्टेंट सूचना यह है कि इसकी एग्जाम डेट 25 अप्रैल 2021 के, ठीक है, ये एग्जाम डेट है 25 अप्रैल जो रविवार को होगी। तो इसको ऑनलाइन आवेदन जो भरने की परीक्षा फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे वो 11 जनवरी से 8 फरवरी तक रहेंगे, जो रात्रि 12 बजे तक रहेंगे। तो इसकी एग्जाम फॉर्म 11 जनवरी से 8 फरवरी तक, जो चालान से पेमेंट होगा निर्धारित बैंकों जो बैंक शुल्क जमा होगा वो उसकी 11 से 4 फरवरी तक, ठीक है। अब जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि वो 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो परीक्षा तिथि आपको पता चली गई 25 अप्रैल से, 25 अप्रैल को रविवार। अब जो मेन है कि परीक्षा समय जो लेवल टू है कक्षा 6 से 8 तक होता है ये सुबह 10 से 12:30 बजे तक रहेगा, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो लेवल फर्स्ट है 1 से 5 तक उनका 2.5 से 5 के बीच है रहेगा, ठीक है। तो ये आपको नोटिफिकेशन की आपकी जानकारी मिल चुकी है। अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट डिस्क्रिप्ट में या कमेंट में बता दीजिए। इसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को फर्स्ट बार आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।